नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। देखिए, तैयारियां राजभवन के अंदर पूरी कर ली गई हैं। जिन नामों की चर्चा थी पहले से ही उन नामों का ऐलान भी हो चुका है और अब से थोड़ी देर में बस शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू होने जा रहा है। हम आपको बता दें, जेडीयू की ओर से देखिए तमाम जितने नेता हैं वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। चाहे जमा खां हो, लेसी सिंह हो, अशोक चौधरी हो, उन सभी के नाम पर पहले से ही मोहर लग चुकी थी और वो सभी नेता जो है राजभवन पहुँचने शुरू हो चुके हैं। और आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बस पहुँचने वाले हैं, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सभी पहुँचेंगे। कुल 21 मंत्रियों को आज शपथ लेनी है। जेडीयू बीजेपी के जो नेता शपथ लेने वाले हैं उनकी सीधी तस्वीर आपको राजभवन से दिखाई जा रहे हैं। आप तस्वीर देखिए। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं लेसी सिंह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मदन सहनी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि
जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रत्यक्ष नहीं करूँगा। नितिन नवीन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पश्चात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नितिन नवीन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का समन्वय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित
या प्रकट नहीं करूंगा। मनोनीत मंत्री श्री महेश्वर हजारी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने के कृपा करें। मैं महेश्वर हजारी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महेश्वर हजारी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, इसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। जाएगा अथवा
तो तमाम तस्वीरें हमने आपको शपथ ग्रहण समारोह की दिखाई हैं। ये तस्वीरें हमने आप देखी हैं राजभवन के भीतर से, पूरी वीडियो को हमने आप तक पहुंचाया है। तमाम जितने नेताओं ने शपथ ली है, देखिए नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, बिहार में अब एनडीए की सरकार है और अब लोकसभा चुनाव की तैयारियाँ होंगी, क्योंकि कल चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाना है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाना है, उससे ठीक एक दिन पहले बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो ही गया जो लंबे समय से लंबित चल रहा था। अब प्रतीक्षा नहीं करनी है, एनडीए के नेताओं ने कह दिया है कि हम अब मैदान में कूदेंगे और 40 की 40 सीटें जीतेंगे, दावे तो कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन है, देखना है अब इस भीषण युद्ध में, लोकसभा के इस भीषण युद्ध में, इस रण में कौन बाजी मारता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।